तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 32 से 33 और 37 और 40 से 51 तक। जब दाऊद साउल के पास लाया गया तो उसने साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे, आपका ये सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने ये उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझे सिन और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ प्रभु तुम्हारे साथ हो। दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपने चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढेलवांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा। उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था। उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडोल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को ये उत्तर दिया, तुम तलवार भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इसराइली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा, मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया ये जान ले कि इसराइल का अपना ईश्वर है और यहाँ का सारा समुदाय ये जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढेलवांस में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढेलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजय हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। तब दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ा आया, उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाली और उसी से उसका सिर काटकर उसे मार डाला। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु मेरी चट्टान धन्य है,
प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का परीक्षण देता है। अनुवाक्य, प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। अनुवाक्य, प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अनुवाक्य, प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य, हालेलुया। यीशु राजा के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। अनुवाक्य, हालेलुया। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1-6 तक। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त की जय।